टू प्लस वन अपॉन में
टू प्लस वन प्लस सी, ऐसे क्या आ गया टी की पावर थ्री अपॉन में थ्री प्लस सी। टी की वैल्यू नीचे पुट कर दो क्या है, वन प्लस लॉग की पावर थ्री अपॉन में थ्री प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 36। क्वेश्चन नंबर 36 है x प्लस वन इंटू x प्लस लॉग x का स्क्वायर अपॉन में x, इसका निकालना है समाधान। तो देखो इस पूरी वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूं, t मान रहा हूं, लेट x प्लस लॉग x इक्वल टू t। अब इसका मैं x के सापेक्ष अवकलन कर दूं क्या हुआ, x का तो क्या हो गया वन, x का x के सापेक्ष कर रहे हैं वन प्लस लॉग x का होता है वन अपॉन x इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी। अब देखो इसको मैं और सरल दूं, ये पाई नीचे आएगा एलसीएम x, x को वन से मल्टीप्लाई किया x प्लस वन इंटू डी एक्स इजिकल टू। अब देखो x प्लस वन अपॉन x इंटू डी एक्स, ये ना इसके साथ में क्या रखता हूं डी टी। देखो समाकलन इसके स्थान पे तो डी टी और x प्लस लोग x के स्थान पे क्या है t, तो क्या हो गया टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसका समाकलन x की पावर n का समाकलन क्या होता है, t की पावर 2 प्लस वन अपॉन में 2 प्लस वन प्लस सी, यहां से क्या गया t की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस सी, यहां से क्या गया। अब t के स्थान पे देखो x प्लस लॉग x वापस रख रहा हूं, x प्लस लॉग x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखो, क्वेश्चन नंबर 37 है एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर अपॉन में वन प्लस एक्स की पावर एट, हमें इसका समाधान करना है। तो देखो मैंने बताया था टेन इनवर्स एक्स इसका अवकलन क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में देखो टेन इनवर्स एक्स के स्थान पे क्या है एक्स की पावर फोर, इस सूत्र में वैल्यू लिखो वन अपॉन वन प्लस यहां पे एक्स था एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या है एक्स की पावर फोर, तो एक्स की पावर फोर का क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स की पावर फोर का फोर स्क्वायर, ये क्या आएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर है। क्वेश्चन में है तो मैं किसको भी मानूंगा इसको, क्योंकि इसका अवकलन पहले से विद्यमान है, लेट टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर इसको मैं क्या मान रहा हूं टी। अब देखो पहले होगा अवकलन किसका टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स के स्थान पर एक्स पावर फोर इसका फोर स्क्वायर, ये तो गया टेन इनवर्स एक्स का इंटू मैं किसका करूंगा एक्स की पावर फोर का कितना मिले, तो पहले किसका होगा बात का अवकलन, तो एक्स की पावर फोर का क्या होगा एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन इन फोर माइनस वन इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी। दोबारा देखो पहले मैं ये अवकलन तो गया टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स
के स्थान पे क्या है x की पावर 4, तो 1 प्लस x की पावर 4 का स्क्वायर, ये तो हो गया tan इनवर्स का। अब मेरे पास क्या फंक्शन x की पावर 4 और है, तो पहले x की पावर n का ओपन क्या होता है, x की पावर n का ओपन देखो, x की पावर n का ओपन होता है घात पहले n x की पावर n माइनस 1 क्या होता है, तो x की पावर 4 का क्या हो गया एक घात पहले, यानी x की पावर 4 है तो 4 पहले x 4 माइनस 1 यहां पे आ रहा है n माइनस 1 4 माइनस 1 ये आ गया। अब देखो 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 का स्क्वायर इनटू यहां क्या है x की पावर 3 इनटू ds, ये 4 में उधर ले जाऊं तो 1 अपॉन 4 dt। अब देखो ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है x की पावर 3 इनटू dx अपॉन में 1 प्लस x की पावर 8, तो इस फंक्शन के स्थान पे मैं क्या रखूंगा 1 अपॉन 4 dt। अब देखो समाकलन 1 अपॉन 4 ये क्या है साइन tan इनवर्स x की पावर 4 को हम क्या मान रहे हैं t इनटू dt, ये dt देखो समाकलन क्या होगा 1 अपॉन 4 कांस्टेंट ये बाहर जाएगा, sin t का समाकलन क्या होता है माइनस cos t प्लस c 1 अपॉन 4 माइनस cos t के स्थान पे क्या है tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38, इस चैप्टर में क्या है हमें अवकलन के फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, फिर पता चल जाएगा किसको टी मानना है, जिसका अवकलन विद्यमान हो उसको हम क्या मानेंगे टी। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 क्या है tan x की पावर 9 प्लस tan की पावर x log बेस की टू tan dx अपॉन में x की पावर 10 प्लस tan की पावर x, हमें इसका क्या करना है समाकलन। अब देखो x की पावर n इसका अवकलन क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, नोट देखो a की पावर x, a क्या कांस्टेंट यहां कांस्टेंट है इसकी पावर x, इसका अवकलन क्या होता है a की पावर x इनटू log e a। अब देखो आपको कुछ दिख रहा है मतलब इसको टी मान लेट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इज इक्वल टू द t, मैं क्या कर रहा हूं इसका x के सापेक्ष अवकलन, x की पावर n इसका अवकलन क्या होता है घात पहले घात का अवकलन 10 x की पावर 10 माइनस 1 9 x का 1 प्लस a की पावर x का तो 10 की पावर x क्या हो गया 10 की पावर x इनटू log बेस a, अगर यहां a था तो यहां भी a, यहां क्या है 10 किसके सापेक्ष x के सापेक्ष पर dx इज इक्वल टू dt। अब देखो tan x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log e 10 ये रहा इनटू dx, इसके स्थान में क्या रख सकता हूं dt, मेरे पास क्वेश्चन क्या बचा dt
फोन में, इसको मैंने क्या रखा पी, ये क्या हो गया वन अपॉन एक्स था, क्या होता है लॉग टी प्लस सी। देखो लॉग टी के स्थान पे क्या था, एक्स की पावर टेन प्लस टेन की पावर एक्स प्लस। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, क्वेश्चन नंबर 39 है, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, इसका हमें समाधान करना है। देखो मैं नीचे वाली संख्या को हटाना चाहता हूं, तो एक सरल समीकरण होती है, क्या होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। तो देखो यहां क्या है वन इंटू dx, इस वन के स्थान में ये काम मिलेगा, देखो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसका समाधान। देखो मैं इसको अलग अलग इसका समाधान कर रहा हूं, पहले तो साइन स्क्वायर एक्स स्थान भी कर अपॉन में कर लूंगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में ये साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसका समान। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि नीचे वाली संख्या पदन को हटाना चाहता हूं। अब देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, अब मेरे पास बचा क्या है समाकलन वन अपॉन कोस स्क्वायर, तो इसको मैं क्या रख सकता हूं वन अपॉन कोस स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स प्लस समाकलन वन अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर। देखो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स, और कोसेक स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमारा चैप्टर 7.2 कंप्लीट हुआ, अब हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में।